तो भाई ये बाहुबली मिस्टेक्स वीडियो का पार्ट टू है, इसका पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो अगर उसे नहीं देखी हो तो पहले ये वाली देख लो फिर वो देख लेना, मतलब ऐसे तुरंत जाने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन में आपको पार्ट वन वाली वीडियो की लिंक दिख रही होगी, तो पहले ये वाली पूरी देख लो फिर वो वाली देख लेना अगर चाहो तो। तो भाई यहाँ पर ये रास्ता यहीं तक है और नाव को इतनी दूर खड़े कर रखा है और बीच में लगा रखी है लकड़ी जिसपे चल के आदमी नाव तक जाए। लेकिन भाई बीच में लकड़ी लगाने की जरूरत ही क्या है, आप नाव को इसके बगल में ही खड़े कर दो ना, लकड़ी वगैरह का झंझट ही क्यों पाल रहे हो, सीधा ही नाव पे चढ़ जाओ। जब ये लकड़ी टूट जाती है तब बाहुबली इससे उतर कर नाव को वहां तक खींचता तो है ही, मतलब कुल मिला के उसको नाव वहां तक तो ले जाना ही पड़ा ना, जिसमें भी वो उतर के नाव तो खींच ही रहे लेकिन फिर भी वो इतना गैप छोड़ ही देगा कि देवसेना को उसके हाथों के ऊपर से चल के जाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं नाव को पूरा देवसेना तक ही ले जाऊं और देवसेना सीधा नाव पे ही चढ़ जाए, नहीं भाई, इसी को बोलते हैं अपना काम खुद ही मुश्किल करना। अभी देवसेना के पैर दिख रहे हैं लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गए, मतलब गायब नहीं हुए, वहीं पे है लेकिन दिख नहीं रहे, और अब फिर से पैर दिख रहे हैं, भाई क्या बात। और भाई यहां से ये हाथी का सूंड देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल सामने और हल्का सा ऊपर ही है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे पता चलता है कि भाई ये हाथी का सूंड इनसे कितना ज्यादा ऊपर है, मतलब यहाँ कहीं पर ये लोग बैठे होंगे और यहाँ से कितनी ज्यादा ऊपर है हाथी का सूंड, लेकिन अंदर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो हल्का सा ही ऊपर, इतना ज्यादा हाइट पे लग नहीं रहा था। यहाँ पे तो बाहुबली की भी फट गई भाई, इतनी भी बुद्धि नहीं है। अभी इस हेलमेट पे जो चेन लटक रहा है वो पूरा सामने की तरफ है, नहीं एक मिनट, हेलमेट ही बोलेंगे ना, पता नहीं भाई, लेकिन सडनली पूरा का पूरा चेन पीछे की तरफ हो जाता है भाई। हाँ भाई तू पहले कैमरे में ही देख ले, अपना शौक पूरा कर ले। अभी ऑरेंज कपड़ा शिवगामी के पीछे खड़ा है, ठीक है, नीचे से देखने पे भी वो पीछे ही खड़ा है, लेकिन सडनली ऑरेंज कपड़ा आगे आ जाता है और शिवगामी पीछे हो जाती है भाई, पता नहीं कैसे। यहाँ पे बाहुबली के पीछे एक सफेद कपड़ा खड़ा हुआ है जो कि दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गया। लगता है भाई पूरा मान गया। भाई ये लोटा यहाँ कहीं साइड में पड़ा हुआ था और जब गिर रहा है तो यहाँ बीच से नीचे गिर रहा है, नहीं भाई जहाँ साइड में पड़ा हुआ था तो साइड में ही गिरना, तो बीच में क्यों आ रहा है, ये सब दोगलापन कह दिया। सेतुपति दोषी साबित हुआ। यहाँ पर बाहुबली ने देवसेना के हाथों के बीचों बीच में मारा था जिससे बीच का ये टूट जाना चाहिए था, लेकिन कड़ी हाथों में ही रहनी चाहिए, लेकिन देवसेना के दोनों हाथों से कड़ी भी निकल गई भाई, कैसे, वो तो हाथ में ही रहनी चाहिए थी ना। यहाँ पे देवसेना के पैरों पर ये चेन बंधी हुई है जो कि यहाँ पड़ी हुई दिख भी रही है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे वहां से चेन गायब हो गई। इस तरफ इतने सारे लोग रस्सी को खींच रहे हैं और इधर अकेला बाहुबली, हाँ भाई मैं बच्चों को नहीं गिन रहा, उनको गिनना ना गिनना की बराबर है, मतलब इधर इतने सारे लोग और इधर अकेला बाहुबली, ये नाइंसाफी क्यों भाई। अभी ये नाव काफी धीरे धीरे नीचे जा रहा है भाई, लेकिन सडनली यहाँ तक पहुंच के ये काफी तेजी से नीचे गिरता है, पता नहीं कैसे भाई। और भाई इस वाली रस्सी को अभी इसके साथ और कितने सारे लोगों ने मिलकर खींचा था और अभी ये अकेले ही इसको पकड़ के खड़ा है, मतलब क्या बात है भाई। और बाहुबली अभी रस्सी पकड़ कर यहाँ पर खड़ा हुआ है बट सडनली वो यहाँ पर भी खड़ा है भाई, नहीं कैसे डबल रोल है क्या। और भाई ये भी तो वहीं पे खड़ा हुआ था, यहाँ कैसे प्रकट हो गया भाई। भाई यहाँ पर ये जो चीज है वो उस तरफ पड़ी हुई है और ये जो लोटा है वो इस तरफ पड़ा हुआ है ना भाई, ध्यान से देख लो, लेकिन वही ऊपर के एंगल से देखने में लोटा उस तरफ चले जाते हैं और ये इस तरफ आ जाते हैं भाई, कैसे। और भाई यहाँ पर एक स्क्रिप्ट जैसी चीज पड़ी हुई है जिसके जस्ट बगल में भी एक लोटा पड़ा हुआ है, यार ये क्या कर रहा हूँ यार मैं, लोटा लोटा। लेकिन वही ऊपर के एंगल से देखने पे लोटा जो उस तरफ पड़ा हुआ था वो इस तरफ आ जाता है स्क्रिप्ट के, मतलब कमाल भाई। और भाई शिवगामी का हाथ लगकर ये वाला लोटा नीचे गिर गया था बराबर, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे लोटा तो मस्त ऊपर ही गिरा हुआ पड़ा है भाई। तो यहाँ पर बाहुबली ने तलवार को तो साइड में रख दिया है और अपने हाथों से ही इसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मतलब दिमाग देख रहे हो बाहुबली का, अरे भाई हाथ से क्या खोल रहे हैं, तलवार से काटने की कोशिश कर उसको। यहाँ पर कटप्पा ने बाहुबली को पीछे से आके मार दिया और बाहुबली निकल लिया, लेकिन मेरे को एकदम से ख्याल आया कि बाहुबली जिनसे लड़ रहा है अगर उन्हीं में से कोई एक पीछे से आके बाहुबली को मार देता तो भाई मतलब एकदम अजीब ही हो जाता ना, मतलब कटप्पा की जगह आगे वाला मतलब उनमें से एक मतलब पीछे से आके आगे से पीछे। अभी कटप्पा की मुंडी देखो शान से एकदम ऊपर देख रहा है भाई कटप्पा, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम मारता है कटप्पा जो ऊपर देख रहा था वो नीचे देख रहा होता है। भाई देवसेना इतनी दूर से क्लियर सीधा आंखों में देख रही है भाई, कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब भाई यहाँ पर खड़ा है भल्लाल और वहाँ कहीं पर है देवसेना, मतलब इतना ज्यादा गैप है दोनों के बीच, जिसमें भल्लाल को भी देवसेना को देखने के लिए ये देसी टेलीस्कोप का यूज करना पड़ा तब जाके वो देवसेना को देख पाया, और उधर देवसेना आंखों में ऐसे देख रही है जैसे उसको बिल्कुल पता है कि कहां से कौन उसको कैसे देख रहा है। और भाई देवसेना जहां पर खड़ी है उसको दिख भी नहीं रहा होगा कि यहां पर क्या चल रहा है, भल्लाल क्या कर रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन ऐसे दे रही है जैसे उसको सब पता है कि यहां पे क्या चल रहा है, भल्लाल उसको देख रहा है।
अभी बाहुबली ने इस बड़े से लकड़े को पकड़ रखा है, जिस लकड़े में दो रस्सियां बंधी हुई है और बाहुबली के दोनों हाथ दोनों रस्सियों के अंदर ही है, ठीक है। लेकिन वही सडनली दूसरे एंगल से देखने पे बाहुबली का एक हाथ ये रस्सी के बाहर चले जाता है भाई, पता नहीं कैसे। और भाई इस एंगल से देखने पे ये दोनों रस्सियों का जो छोर है वो भी लटक रहा होता है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गया। भाई ये वाला सीन मैं जब भी देखता हूँ मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि साला इन बुल्स की फटती नहीं है कि भाई मस्त भाग रहे होते, डर भी नहीं लगता इन लोग, मतलब लिटरली इनके आगे इतना भयानक इतना खतरनाक ही पंखे जैसी चीज इतनी स्पीड में घूम रही है और इनकी फटती भी नहीं है भाई, मस्त भाग रहे होते हैं। अभी बाहुबली के आसपास पीछे काफी सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे पीछे से लोग गायब हो गए और अगले ही पल पीछे वापस प्रकट भी हो गए, क्या बात। अभी भल्ला के आगे इतने सारे लोग हैं जो लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन सडनली भाई पूरा का पूरा ग्राउंड ही खाली हो जाता है, सबके सब गायब ही हो जाते हैं। अभी पेड़ पे ये जो चीजें घुसी हुई है इसी के लास्ट वाले के ऊपर आकर बाहुबली रुकता है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे बाहुबली इससे काफी ज्यादा आगे हो जाता है भाई। और भाई यहाँ पर बाहुबली ने इस ढाल को अपने राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे ये ढाल बाहुबली की पीठ पे है, उसने उसे पकड़ा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक एक करके सब लोग अंदर चले ही जाते हैं, लेकिन मेरे को बुरा लग रहा है यहाँ पर इन लोगों के लिए, मतलब बेचारे यहाँ पे टकरा के नीचे ही गिर गए यार, अंदर ही नहीं जा पाए। पूरी बाहुबली 2 मूवी में बिचारी का पहला और आखिरी डायलॉग। नहीं तमन्ना को फालतू ही ले लिया ऐसा लग रहा है इस पिक्चर में, काम तो था नहीं कुछ। अग्नि प्रस्थान, जो इसे पूरा कर ले वो पराजित नहीं हो सकता प्रभु। अच्छा इसके कहने के हिसाब से जो अग्नि प्रस्थान पूरा कर लेता है वो कभी पराजित नहीं हो सकता, ठीक है ये नई बात पता चली मेरे को। लेकिन एक मिनट, अग्नि प्रस्थान तो मूवी की स्टार्टिंग में शिवगामी ने भी किया था ना, लेकिन उसका तो बाद में। नहीं कहने का मतलब है कि अग्नि प्रस्थान तो शिवगामी ने भी किया था ना, लेकिन भाई वो तो हो गई पराजित। नहीं तो फिर इसका ये कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना कि जो ये पूरा कर लेता है वो कभी पराजित ही नहीं हो सकता, शिवगामी तो हो गई भाई। भाई मानो ना मानो ये थोड़ी बड़ी मिस्टेक तो है भाई। अभी भल्ला का ये कवच इस लाल रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे रस्सी गायब हो गई। अरे ये क्या साउंड इफेक्ट है भाई, जब दिवाली में मैं अपने जला हुआ फुलझड़ी पानी में डालता था ना तब आती थी ऐसी आवाज। अच्छा अगर बाहुबली यहाँ पर ये नहीं किया होता तो भल्ला तो भैया हवा में ही लटक जाता, नीचे तो गिरता ही नहीं है ना। अभी यहाँ पे खून आंखों के ऊपर से कुछ इस तरह से गया हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ एक मिनट बाद वहाँ पर देखने से वहाँ से वो खून गायब हो गया। और अभी इन दोनों लाइंस के बीच में काफी ज्यादा गैप भी है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे गैप काफी कम हो जाता है भाई। अबे यार इसको क्यों जिंदा छोड़ दिए बे, अब देख लेना यही बनाएगा बाहुबली पार्ट 3। झुकेगा नहीं।